عزار رمد الفصيل من عمل نزف نصر خلو الداعد قل لنادري قريب ما تودنا ميجي الله ربي عمد دالي ملغب فلا يجر الغيب أحد إلا ما ينتظم الرسول إلا ما ينتظم الرسول فإنه يصلم فإنه يصلم من بين يذوى من خطم وصدا ليا لمن قد أبلغ رسولات رب موحد بمولد موسى كل شيء जलाओ उसके अंदर से तेजी जला के सारी दवा बाहर खींचो तेजी के साथ में खींचो सारी दवा उसके दिमाग में भी जितनी बैठा वो भी खींचो पेट में की भी खींचो सारी के सारी ये दिमाग में चढ़ के बैठा था उसके जकड़ो अंदर से तेजी के साथ और मार के वो भी बाहर निकालो दिमाग में का भी झगड़ो उसके दिमाग में से पूरा बाहर लो खींच के तेजी के साथ हाँ खींचो उल्टियों में भी खींचो खींचो उसको उल्टी लगा के पूरी दवा खींचो उसके पेट में की बाहर खींचो उसको और तेजी से मार के बाहर खींचो उसको तेजी के साथ पन्नी नीचे पकड़ो थोड़ी दिमाग में बैठा था उसके चढ़ के सब दिमाग में उसके पूरा नस नस में घिना के बिठा दिए थे जादू टोना करे आला खिला के छोड़े आला अंदर लो उसकी दवा खींचो उसकी तेजी से उसके पेट में भी आग लगा दो उसके दिमाग में भी आग लगा के खींचो पूरी तेजी के साथ बाहर दिख रहा है दिमाग में से कितना निकल के गिर रहा हो तो खींचो उसको और तेजी से खींचो उसके पेट में से भी खींचो उसके दिमाग में से भी खींचो दोनों तरफ से उसको मार मार के बाहर खींचो जलाओ उसके अंदर से आग लगाओ झगड़ के तेजी के साथ सारी दवा मार के बाहर खींचो और तेजी के साथ खींचो वो सब खींचो उसके पेट में से भी बाहर खींचो मारो अंदर से आग लगा के खींचो लाओ उल्टी में लगा के बाहर खींचो उसको तेजी के साथ निकालो उसके दिमाग में कभी निकालो मार के और तेजी से खींचो दिमाग में का जल्दी खींचो बाहर वो बहुत तकलीफ दे रहा था अंदर बैठ के बहुत तकलीफ दे रहा था मारो उसको मार के बाहर लो Bismillahirrahmanirrahim. اللهم فاطر الصمد والله رفيع العلم الغيب شهدنا انت الرحمن الرحيم اللهم اني احد اليك في هذه الحياه الدنيا اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك واشهد ان محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني الا نفسي فعينك تكلني الا نفسي تقربني لشرك واني لا تقبل الله برحمتك فاجعلني عندك احدا توفي عندك احدا توفي عندك احدا توفي الا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين جلال اندر سے تیزی سے آگ لگا دو اس کے اور تیزی سے खींचो उसकी दवा को और तेजी से बाहर खींचो
बहुत दिमाग पे चढ़ के बैठ के परेशान कर रही थी, मारो उसको अंदर से, मार मार के खींचो पूरी तेजी के साथ। जलाओ उसको, जला के बाहर खींचो तेजी के साथ और तेजी से। मार मार के खींचो बाहर, जरा अंदर बाखिन्ना उसके, जरा अंदर बाखिन्ना। पूरा बाहर लाओ, पूरा बाहर लाओ। गाल दिमाग में की भी निकाल, उसकी पूरी दवा निकाल। वो कब मारो बोले थे उसको? अम्मास में, पुन्नम में। कब मारो बोले थे? अम्मास में, पुन्नम में। कब मारो बोले थे? छोड़ देते ना देखो, एक बार उन्हें छोड़ देते, मार मार के भस्म कर दूंगा देखो। हाँ बता, सही बोली ना तो छोड़ेंगे तुझे, जब तक नहीं छोड़ेंगे। चलाओ उसके हाथों में से भी आग लगाओ। हाँ कौन चढ़ाया था उसके दिमाग में दवा? ये कौन था? वो औरत की आदमी था? हाँ कहाँ से लाए थे? उसके माँ के रिश्तेदार थे, बाप के रिश्तेदार थे? क्या स्कूल के लोग थे या सहेली थी, दोस्त था, कौन था वो? खिंचाओ उसके पेट में से भी तेजी के साथ में। ये खिलाए वाला, ये खिला के जादू को ना करे वाला है। ये दिमाग में तो पूरा चढ़ के बैठा था, दिमाग में से निकल रहा। दूसरी बात, नस नस में भी नहीं आ रहा, निकाल रहे खींच के पूरा बाहर। उसको जमा करो उसको और तेजी से, मुंह में से भी और नाक में से भी निकलना चालू है। उसके दिमाग में जो बैठे वाला है वो नस्ले की शक्ल में चढ़ के ऊपर बैठा था। बैठ के क्या क्या बीमारियां तकलीफ वाला लगाया था उनसे। जमा उसको और तेजी से, गालो पूरा खींच के निकालो के नाक में, जरा बाकी में अंदर। जाने नहीं देते, जाने नहीं देते तेको, जब तक सवाल का जवाब नहीं देगा मेरे, जाने नहीं तो वैसा। हाँ बता, पकड़ो उसको तेज साथ, पकड़ लो, काटो उसके हाथा, दोनों हाथा काटो उसके तेज साथ में। कौन है? क्यों बच्ची के पीछे पड़ा था? बहुत तो नहीं आने वाला है, कौन ला के डाले थे? कौन लाए थे? कर दूंगा भस्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा, पूरा भस्म कर दूंगा मैं। जवाब क्या करना तुझे? छोड़ना नहीं छोड़ना, पकड़ो उसको तेज, खींचो और खींचो तेजी से बाहर खींचो। लाओ उसके पेट में से भी मार के बाहर लो। पानी का गिलास उठा के उधर बंद करा के गिलास बैठ कर गए उसने। हाँ
झालं थोडं जो उसको तेज के साथ लो अंदर से जकड़ो उसको तेज के साथ चल जल्दी बाहर लाए थे कहां से शमशान से कब्रिस्तान से कहां से लाए थे कौन लाया था औरत थी आदमी था वो कौन औरत हाँ औरत थी कि आदमी था कौन था आदमी था औरत थी हाँ अच्छा बच्ची के गांव के थे दूसरे गांव के लोग थे वो जिसने जादू करे तो हाँ इसके माँ के रिश्तेदार थे बाप के रिश्तेदार थे तुझे कहाँ से पकड़ के लाए थे शमशान से कब्रिस्तान से जकड़ो उसको और तेज के साथ जकड़ो भाई साहब जकड़ो कि उसके टुकड़े होना मत जकड़ो उसको तेज के साथ ये निकल रहा उसके इसमें से ये जो है तो ये सारा दिमाग में चढ़ के बैठे वाला था और पेट में भी कभी दिमाग में का उसका तेजी के साथ खींच रहे क्या क्या बीमारियां लगा दिया था इन सब अंदर रह के क्या क्या तकलीफा दे रहा था झगड़ो उसको तेजी के साथ में और तेजी से वो नीचे जाके जमा हो रहा पूरा हो झगड़ो उसको और तेजी से चल बता कौन नहीं थी वो औरत था आदमी था छोड़ते तो नहीं थी मैं जब तक नहीं जानूंगा जब तक तुम्हें सवाल के जवाब नहीं दूंगा क्या समझा तूने नाला जीत सकता तो कदम मार मार के भी खत्म कर रहा तो पूरा खत्म कर दूंगा मारो उसको और खींचो बाहर मार मार के हाँ बता जल्दी हाँ दो चार सवाल के जवाब दे मेरे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा मैं तो एक बार भी नहीं छोड़ता मैं काट के भस्म करने का हुक्म दूंगा उसके अंदर आग लगाओ तेज से आग भड़काओ चल बोल जल्दी बोल मैं पूरा खत्म कर दूंगा बोल खींचो उसके दिमाग में से तेज एक साथ Oh.
क्या है? छोड़ने का नहीं छोड़ने का तुझे? हाँ जल्दी बता, जो लोगों ने तुझे बच्ची के आंग में ला के डाले वो तेरे दुश्मन नहीं है क्या? ये तेरे दुश्मन है नाला, वो तेरे दुश्मन है जिन्होंने इस आंग में तुझे ला के छोड़ा? तो ये नहीं है तेरे दुश्मन? हाँ मार दो बोले, तू तड़पा तड़पा के मारो बोले। हाँ क्या बोले? तड़पा तड़पा के मारो बोले। अच्छा इसकी पढ़ाई भी बर्बाद कर दो बोले। हाँ अच्छा बच्ची को कब मारो बोले? अम्मास में पुन्नम में। हाँ अम्मास में पुन्नम में, पुन्नम में मारो बोले आला है। अच्छा इसको कौन खिलाए? इसके माँ के तरफ के रिश्तेदार है, बाप के, बाप के तरफ के है? जकड़ो उसको, बाप के तरफ के रिश्तेदार है, माँ के तरफ के नहीं है। जकड़ो उसको और तेज से निकालो उसके दिमाग में से, और खींच खींच के निकालो पूरा बाहर। घर में से और किसको मारने का है क्या उसके? हाँ किसको मारने का है खाली? हाँ मारो उसको तेजी से, खींचो उसकी सारी दवा बाहर। नाक की तरफ मारी, कैमरा निकलना चालू से। नाम पूछना, बताने का नाम। बच्ची का क्या लिख गए थे जादू जादू चलाते टाइम पे? कपड़ा लिए थे, मट्टी लिए थे कपड़ा? अच्छा बाल लिए थे क्या सर के? हाँ बाल भी लिए थे उसके, बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे हो क्या, खत्म हो गए बाल? और कपड़ा भी, कितना टाइम हो रहा ली जाके? हाँ खींचो खींचो पहले उसकी दवा खींचो। ये जो दास्तान है इन्होंने लेकर आए बच्ची को, उसको तकलीफ होती थी, उसके पैर चले गए थे कमर के नीचे से, चलने भी नहीं आ रहा था उसको, कुछ दिखी थी जिसको बीमारी लग गई पैर का। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी आला उसके पैर पे, हाथों के 70 को ऐसे चट्टे आ गए इम्पल्स के टाइप में, और वो उजाकर फूट जाते थे और उसको बहुत तकलीफ देते थे पेन किया, और उसको कोई काला साया सपने में भी दिखता था। ये जो दास्तान है ये कैसे आए वाला शैतान ऐसा नहीं है, ये लगाए वाला था। और क्या है तुमने अभी अपने आंखों से देखी कैसा निकल रहा उसके अंदर से, क्योंकि अल्लाह के कलाम की ताकत है, जहाँ अल्लाह के कलाम की ताकत रहेगी वहाँ बरोबर उनको मार पड़ेगी बलाओं को शैतानों को, बरोबर निकलेंगे वो, उसके नाक से निकल के मुसलसिल बहना चालू है वो नाक की तरफ मार। ये नाक में से निकल रहा बच्ची के और बहना चालू थे, यानी कि क्या तकलीफ देता था ये, पूरा शरीर में भिन्न गई थी दवा, उसके पेट में भी और दूसरा पार्ट दिमाग पर चढ़ के बैठ गई थी। दिमाग पे चढ़ जाती दवा तो वो निकालना बहुत मुश्किल रहता, सबको नहीं आता अस्पताल में। पहली बात तो किसी को पता ही नहीं कि वो भी इल्म है, वहां पर भी जाके दवा बैठती है, वहां पर बैठने के बाद पेशेंट ऐसा हो जाता कि धीरे धीरे उसको पूरा बावरान करके चिरखानी करके टेंशनों में ला ला कर डिप्रेशन में डाल के खत्म कर देते, पागल बनाकर अपने हाथ से अपने खत्म हो जाता होगा। बाकी तो पूछा मैं दास्तान कौन है क्या है, अभी तो नाम भी बताएंगे वो कहाँ से डाले थे कौन लोग थे क्या दास्तान है, मगर ऐसा किसी पर नहीं जादू टोना करना। बच्ची अच्छा पढ़ रही थी, अच्छा रह रही थी, अच्छा सुखी परिवार था, देखे नहीं गा, नहीं देखे जाके क्या अलग करती है, इसलिए अल्लाह की पनाह मांगो इस चीज़ों से, अल्लाह तेरी पनाह में रख बोलना तेरे हबीब के सबके बुफेर में, ये सब खुदाओं से ये बलाओं से जादू टोने से। अगर बीमार हो गए तो तबीब के पास, हकीम के पास, डॉक्टर के पास जाकर तुम दवा को लिखा के राइट हो जाएंगे। अगर तुम जादू टोने में मुब्तला हो गए, अगर तुम बलाओं वबाओं में गिर गए तो तुम्हारे को फिर कोई नहीं हटाने वाला, बहुत कम है दुनिया में रखे अल्लाह ने हटाने वाले, बल्कि अल्लाह अब्दालिया हर जगह तो तुम आपको नहीं मिलेंगे, अब जाहिर नहीं होते हो सबके सामने जब तक अल्लाह हुक्म दे के उनको जाहिर नहीं कराता लोगों के सामने, और वो इलाज भी नहीं करते सिर्फ दुआ करेंगे। दूसरी बात कि अल्लाह का निज़ाम जहाँ चलता वहाँ पर मार पड़ के ख़त्म होना चालू होते चीज़ा, और तुमको ये बातें समझ में आए तक बहुत देर हो जाती, क्योंकि इंसान यही समझता कि बीमारी है तकलीफ है बीमारी है तकलीफ, समझ के दवा गोली खाने में इतना परेशान हो जाता वो कि एक तो दवा गोली भी खाता फर्क नहीं होता, दुआ पानी भी करता फर्क नहीं होता, उन जबानों में कहां से तासीर आएगा जिन जबानों पर गीबत मुसलसिल जारी है, जिन जबानों से बुराई किसी की जारी है,
जिन जबानों से गाने याद है लोगों को, गालियां देना याद है, दूसरों को गीबत करना याद है, बुरी चुगली करना, दूसरों को फंसाना, झूठे गवाह देना, वो जबान में अल्लाह के कलाम का तासीर कहाँ से पढ़ाऊंगा। अल्लाह वाले और बुजुर्गान दीन के जबानों में सब तासीर रहता तो उन्हें पढ़ के दम करते ही शैतानों को बलाओं को मारा पड़ना चाहिए होती है। अल्लाह वालों का मौजज़ात अल्लाह ने दिया है, और अल्लाह कुरान में फरमाता कि मौजज़ात अल्लाह के हुक्म से दिखते, कोई मौजज़ात नहीं दिखा सकता सूरह मरियम के अंदर भी बड़ों को पता चले ना तफ़सीरात। तो ये सब बातें हैं, ये सब बातों पर अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। अपने भी ज़बानों को नेक बनाओ, सख्त ज़रूरत है आज, तुम भी जिक्र अस्कार करने वाले बनो, इबादत करो, कोई जादूगरों के चक्करों में मत पड़ो। तुम अगर जादूगरों कने जाएंगे, इलाज वालों कने जाएंगे, अंधश्रद्धा वालों के पास जाएंगे, मूर्ति पूजा करने वालों के, बुत परस्ती करने वालों के पास जाएंगे, तो वो तुम्हारा ईमान, दुनिया, आखिरत सब बर्बाद कर देते। उनकी तो हो गए वाली है, तुम्हारी भी बर्बाद कर देते। हदीस में बोले आला ना कि जो जादूगर के पास का वो अपने से नहीं, वो अपने से नहीं, अपने से नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी शफाअत भी नहीं करूँगा आखिर के दिन, वो हमने से नहीं है। जादूगर भी नहीं, उसके पास ध्यान माता नहीं, कहाँ देंगे, कहाँ जाकर था, मारो उसको नाला को और जबड़ो उसको तेजी से, जब तक उन्हें मुझे नाम नहीं बताएगा, जब तक उसको छोड़ना नहीं, उसको मारते रहो, उसको बताओ अल्लाह के कलाम की क्या ताकत है। तो लोग जुल्म दे रहे, नालायक है, इनको जुल्म दो, इनको पकड़ के नालायक को जरा पता चलता, मारते रहो उसको। जान जवान बच्चे होंगे ऐसा आलम अगर तुम कर देंगे तो क्या होगा। अब ये मेरा वीडियो बनाकर डालने का मकसद कोई मैं मेरे दिल से नहीं कर रहा हूँ, बोलते ना गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो देख लो गुरु बिना ज्ञान कैसा देता अल्लाह। जिसको अगर ज्ञान और इल्म देना है तो उसको डायरेक्ट चुनता अल्लाह, कोई उस्ताद नहीं है मेरा। अगर मुझे कोई उस्ताद रहता था मेरा तो मुझे शागिर्द बनाता था और मैं उसका शागिर्द रहता था। मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मुझे अल्लाह ने चुने आला है, तो अल्लाह ने मुझे उस्तादों का उस्ताद बना के पैदा कराया। जो अल्लाह जिसको खुदा की कुदरत जिसको संभाल के जिसको सब सिखा कर निजाम लेके चलती, तो वो उस्तादों का उस्ताद रहता, और जो गुरु के पास सीखता तो वो तो उसका शागिर्द रहता। उन कितना भी बड़ा बन जाएगा तो शागिर्द बोलते हो शागिर्द, और जो सब उस्तादों का उस्ताद जिसको बोलता ये तो उस्तादों का उस्ताद है, उसको अल्लाह ने सिखाया वाला था, क्योंकि उसका कोई उस्ताद नहीं, उसका अल्लाह उस्ताद है। अल्लाह सब उस्तादों का उस्ताद, अल्लाह सिखाने वाला, ताकि गुरु क्या सीखे ना, गुरु को शागिर्द बना पाए इंसान को, किसका भी गुरु, किसका भी पीर और किसका भी गुजरा दो, जो भी है, अल्लाह ने मुझे डायरेक्ट चुन के डायरेक्ट, मैं पढ़ के वकील बना था मेरे लिए, मैं पढ़ के डॉक्टर बना था पढ़ाई हासिल करके, मगर बाद में अल्लाह ने मुझसे क्या काम लिया, जो काम अल्लाह को लेना तुमसे बरोबर वही काम लेता अल्लाह। तुम कितनी भी इबादत करो, तुम क्या करो, हमारे जिन्नात और शैतान और चुड़ैल ताबे में लेने के लिए कभी कभी ये घर से इबादत नहीं करा मैंने, मैं सिर्फ अल्लाह के लव में उसके रसूल के लव में इबादत करा था, अल्लाह और उसके रसूल को रजा करने के लिए ऐसी इबादत 17-18 घंटे मैंने बैठ के इबादत करा था, सिर्फ तू राजी हो जा, तू राजी हो जा, तो वाकई में हकीकतन ऐसा राजी होगा कि जिंदगी भर जादूगर पूरी मेहनत करके एक शैतान एक बला एक चीज ताबे में लेता, और उसका घमंड उसका तकब्बुर उसका गुरूर वो शय रहती, वो जिन्नात जो भी उन्होंने पूरी जिंदगी में शक्ति हासिल करे वाली, और यहाँ आते ही उसकी जिंदगी भर की शक्ति गरूर घमंड उसका फखर एक मिनट में चकना चूर कर देते हैं मार के शैतान को। उसका तकब्बुर हटा, वो जादूगर का घमंड है, वो उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत है तपस्या है उसकी, एक बला उन्हें हासिल करे वाली एक शय, और वो एक शय को यहाँ आने के बाद उसको मार मार के चकना चूर कर देते। कौन मार रहा दिखता नहीं, मगर मारने वाले ऐसा बरोबर मारते, कैसा निकाल रहे उसके दिमाग में से खींच के, ये कुदरत का निजाम है, देखो उधर मार के हमरा, ये कुदरत का निजाम है, ये मार मार के निकाल रहे हो दिमाग से, वो नीचे थैली भरते जा रही, वो नीचे थैली भर रही, बताओ यहाँ कैसा दिमाग काम नहीं करता। सारा मेडिकल साइंस और सारे जहाँ पर पढ़ाया दुनिया के जहाँ खत्म हो जाते, वहां से दूसरे दुनिया के राज चालू होते। अभी तो हर चीज अपनी जगह अल्लाह ने एक मुकर्रर करने वाली है, डॉक्टर डॉक्टर की जगह, वकील वकील की जगह है, इंजीनियर इंजीनियर की जगह है, कारोबार करने वाला कारोबार करने वाले की जगह है, और इलाज करने वाला इलाज वाले की जगह है। अल्लाह के वलिया अलग है, कुतुब अलग है, अब्दाल अलग है, सबको अलग अलग जगह मुकर्रर कराया। तुम जाके बोलेंगे कि किसी के पास जाएंगे और जज के पास जाके बोलेंगे जज साहब पेट दुख रहा गोली दो, तो वो बोलेंगे ये बावला होगा, कोर्ट से वो कर रहा है इन्हें आके जाके पागल खाने में डालो नाला, मैं गोली देने को बैठा क्या, बोलेंगे फैसला देने को बैठा लो जज के पास, अलावा तुम जाके दूसरे के पास में कोई बिजनेस मैन के बोलेंगे फैसला दे दो हमारा झगड़ा चल रहा, तुम बोलेंगे पागल हो गए, मैं कहाँ से फैसला दूँ। सबको एक अलग अलग मकामात पर अल्लाह ने मुकर्रर किया है और उनसे उनके हिसाब से काम लेता, तो वैसे ही अल्लाह ने ये भी जादू टोने की दुनिया इसके अंदर भी अल्लाह ने सारे बातें और हर चीज़ों को मुकर्रर कराया है। हाँ तड़ो हाँ पकड़ रहे उसको, ये देखो कैसे पकड़े उसको टेढ़ा करके, तो नजर पर पकड़ रहे हैं सभी, अंदर से निकाल रहे जकड़ के तेजी के साथ में उसको,
मार मार के वो निकलना चालू है, वो निकलना चालू है। तो ऐसा निजाम रहता अल्लाह का, अल्लाह को जिसको फैज देना है बरोबर फैज देता, और जिसको अगर फैज नहीं देना है, अगर अल्लाह ने आजाब में घिरा लाए तो तुम उस दर पर पहुंचते जहां से फैज की दरिया जारी है, मगर वहां तुम्हारा कोई बूंद भी फैज की नहीं लेने देता, अल्लाह वापिस रिटर्न कर देता तुम्हारे, तुम्हारा फैज नहीं देने का रब्बुल आलमीन, और तुमको फैज देना है तो तुम्हारा बरोबर वहां तक पहुंचाता, और बिलाओ उसको नाला और उसके अंदर से आग लगाओ, बता जल्दी बता वो कौन है, वो उसके बाप के तरफ से कौन है, वो औरत की अतरी था वो, जला जला उसके पेट में से और आग लगाओ, लाओ वो लाए उन्होंने बिस्लरी का पानी, वो लाए उन्होंने वो जो भी चीज है वो पिला रहे और पिला के निकाल रहे। मैं तुमको बार बार बताना ये मकसद है मेरा, एक किसी को जहमत मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी की जान मत दो। क्यों तुम इतनी ये दो दिन की जिंदगी में इतने गाफिल हो गए कि अल्लाह उसके रसूल को भूल गए, भगवान और ईश्वर को भूल गए, और भूल कर तुम कौन से भगवान ने कौन से ईश्वर ने तुमको ऐसा सिखाया कि किसी को तकलीफ दो, किसी को जहमत दो, उसका घर जलाओ और खुद सुकून से रहो। तुम अगर उसका घर किसका भी गरीब का जलेंगे गर्म पानी से या आग से, तो खुदा तुम्हारा घर गर्म पानी से जलेगा। वो ईश्वर वो अल्लाह जिसको किसी ने नहीं देखा, हर भगवान और हर देवी देव आंख बंद कर ध्यान लगा के बैठते, क्यों बैठते थे, किसके ध्यान में बैठे आते, वो उस ईश्वर के उस परमात्मा के, ये तो आत्मा है, वो परमात्माओं का आत्मा जो है उसके ध्यान में बैठ के पावर हासिल करते, तो वो ईश्वर है, वो तो फैसले देता है बैठ के बरोबर आसमान से। ऐसे हरकतें मत करो, बाज आ जाओ, अगर उन्हें आजाद में घेर ली मत, भागने जगह नहीं मिली, भाग ली, जब कोरोना में घेरा था तो भाग सकते थे, तुम्हारे बापों के लाशों को तुमने हाथ नहीं लगा सके कोरोना में, इतना जहीर करा तुम्हारा खुदा ने, ऐसा जुलूम कर रहे थे, इंसानियत भूल रहे थे, मत करो ये हरकतें, बाज आ जाओ, इबादत करो, कोई जादूगर के नजदीक मत जाओ, कोई जादूगर पे लानत हो बोलो अल्लाह की, जादूगरों के नजदीक मत जाया करो, वो तुमको बर्बाद कर देते, तुम्हारी दौलत को बर्बाद कर देते, तुम्हारे घर को फोड़ देते, तुम्हारे पे जल के चिड़ के उल्टा कर देते सब, मत जाओ, उनके दिल में हसद और जलन से भरियाला दिल रहता, और अल्लाह के वलियों का दिल नूर से भरियाला रहता, खुद खुद के नूर भरियाला रहता उनके दिल में, वहां जाओ, वहां से फैज लेता, वहां से हर मामला लगे, हर इसमें तुम्हारे बुलंदियां हुए, सारे वबाओं से बीमारियों से आफतों से बाज आ जाएंगे। तो पन्नी बरोबर पकड़ो, उसके दिमाग में से दवा खींच रहे, अगर अभी दवा नहीं खींचेंगे तो बाद बहुत टाइम लगेगा फिर दवा निकलने, खींचो उसके दिमाग से और तेजी के साथ में, झगड़ो उसको तेजी से, बोल अब तुम मार के दो टुकड़े करो क्या, जल्दी बता कौन है उसके बाप के खानदान से, वो कौन था, वो कौन है, हाँ कौन है, औरत आदमी भी मिले आला है, अच्छा औरत है, नाम 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 बोल, अब मेरे को जलाल नहीं आना, अगर जलाल आ गया तो सीधा टुकड़े कर दूंगा तेरे हाथों के, हाँ क्या नाम है बोल, उसके वजह से अपना हाथ कटा के मतलब तेरा हाथ जकड़ना चालू है, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा हाथ, पकड़ो उसके हाथ को तेजी के साथ में, और तोड़ दूंगा, हाँ चल बता फिर जल्दी, हाँ कौन है वो, कौन 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 नाम, हाँ कौन, हाँ जोर से, हाँ कौन, हाँ तोड़ो उसका हाथ, नहीं बोला मैंने नाम, तोड़ कहते से झगड़ो, हाँ कौन है कौन है, कहाँ शमशान से कब्रस्तान से कहाँ से पकड़े, शमशान से कब्रस्तान से कहाँ से पकड़े थे, शमशान से नहीं कब्रस्तान से, हाँ कब्रस्तान से पकड़े, कहाँ से पकड़े, कब्रस्तान से, चल नाम बता जल्दी, हाथ फिराओ उसका, हाथ तोड़ने की तैयारी करो, अगर उन्हें मेरा नाम मुझे, अरे तुम पीछे बैठे होते जाके उधर बीच बीच में तोड़ो तुम्हारा खतरा, उसके वो कर रहे हाथों को आगे पकड़ रहे, दिख रहा नहीं था उसका हाथ फिरा रहे पकड़ के, तो हाँ जल्दी बता, नहीं तो पूरा मार के खत्म करूंगा, मुंह की तरफ मार, कैसा निकल रहा हूं, निकाल रहे खींच के दिमाग में से उसके पूरा, ये पकड़े उसका हाथ, हाँ झगड़ो उसके हाथ को तेजी के साथ में, और तेजी से फिराओ उसके हाथ को, तोड़ देंगे उसके हाथ को, हाँ तू अगर मेरे को नाम नहीं बोलूंगा मैं हाथ तोड़ दूंगा, वो कतर दूंगा हाथ, ले लू काट के, हाँ जल्दी नाम बता, कौन है वो, कौन है,
चलते को एक मौका देते हैं, जल्दी बता जल्दी बता। हाँ कौन है इसकी, कौन है माँ की बाप की, माँ की बाप की कौन है, कौन होती वो, कौन होती, कौन गिरा उसके हाथ कुत्ते के साथ में। तोड़ दूं, तोड़ दूं, हाँ ठीक है चलो उसके हाथ काट के ले लेंगे पूरा टुकड़ा करेंगे। हाँ हाँ पूछ कुछ जादू कर रही थी क्या उसमें बच्ची पे, हाँ हाँ पूछ कर रही थी, हाँ अच्छा तुम करा रहे थे भेज के करा रहे थे, हाँ कौन थे वो, कौन है वो, हाँ कौन, जोर जोर से मुझे नाम सुना रहा, पन्नी सीधी पकड़ो ना जरा, हाँ कौन 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 नाम बोला जल्दी बोल, कौन जलाओ 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 उसके हाथ को तेजी जलाओ, हाँ हाँ बता दे नाम छोड़ दूंगा मैं तुझे, हाँ बता जल्दी, हाँ कौन 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 तुम चुप बैठो जी जरा, हाँ कौन हाँ कौन नाम 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 जल्दी, ऐसा किसके बच्चों की जिंदगी ऐसा खराब नहीं करना कमीनों सालों, शर्म नहीं आ रही दिमाग को, हाँ बोल कौन, हाँ कौन पुप्पू, हाँ हाँ कौन 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 नाम 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 तेज हाँ नाम नाम जल्दी नाम, नहीं तो पूरा भस्म कर दूंगा, हाँ कौन इसकी स्किन खराब करने लगाए थे, हाँ इसको खुजाने की बीमारी भी डाल दिए थे, पूरा जिस्म फट जाना उसका बोल के करे थे, ऐसा कर दिए थे उसके जिस्म को पूरा, हाँ और क्या बोले थे, मार दो बोले थे बच्ची को वो, हाँ अम्माष्टमी पुण्यम में, हाँ जोर से सब कुछ सुना रहा, कब मारो बोले, हाँ पुण्यम में छोड़ू तुझे ना, कुछ छोड़ू छोड़ू क्या नहीं छोड़ू, काट के डाल दू, कैद करके ले लू, बाहर बाटल में डाल के जमीन में गाड़ दू, खयामत तक के वास्ते बाटल में बैठ के रहे तू खयामत तक जमीन के अंदर डालू, हाँ कौन थी वो औरत है आदमी है कौन है वो, हाँ कौन है कौन है औरत है आदमी है, हाँ औरत है, कौन होती इस रिश्ते में कौन होती बच्ची की, हाँ कौन होती नाम नाम, हाँ कौन कौन होती कौन होती, इसके अब्बा की ससुराल किधर की है, इसके इन्हों तुम्हारे कौन होते हैं, एक ही खानदान है क्या तुम्हारा, एक ही खानदान है, एक मतलब साथी जी, तो इनका रिश्ता तुम्हारा रिश्ता आपस में वाला है क्या खानदान में, अच्छा यानी कि इनका खानदान तुम्हारा खानदान एक ही थे, ससुराल मायके वाले एक ही होते क्या, हाँ बता नाम बता जल्दी नाम बता, कौन है वो कौन कौन बोल दे नाम बोल दे, मैं आजाद करा था नाम बोल, कौन क्या क्या नाम है, क्या नाम है जल्दी जल्दी, हाँ, क्या नाम है नाम बोल दे, कौन है कौन है वो जिसने तुझे इसके आंग में डाली ना वो तेरी दुश्मन है, ये नहीं है तेरी दुश्मन, देख कितनी मार पड़ी यहाँ पे उन्हें, तो मार पड़ी है यहाँ लाके डाल के, हाँ बोल हाँ बोल जल्दी बता, मेरे पास टाइम नहीं तो अभी काट दे रहा हूँ, भी कर देता मैं एक मिनट में, हाँ जल्दी बोल कौन है नाम नाम क्या है,
क्या है? तेजी के साथ उसको कौन है वो औरत? नाम नाम नहीं। क्या नाम है? नहीं। क्या नाम है? नहीं। वो औरत का नाम क्या है? नाम बोल, कौन सी खाला है वो? कौन सी खाला? हाँ, कौन है वो? क्या नाम है? क्यों करी थी दुश्मनी? क्यों करी थी? क्या दुश्मनी है? हाँ, क्या किस चीज में खिलाई थी छोकरी को? क्या नाम है छोकरी का? कनीस को काय में खिलाई थी? हाँ, काय में खिलाई थी? हाँ, चलो ठीक है, इसको बन के मारो, इसको ना ला, उसको मार मार के इसको दूसरे चक्कर में मेरे सामने लाओ, उसको जरा चिंदा करके लाओ, उसको जरा उसकी सारी शक्ति खत्म होना उसकी, उसकी जब तक दबा वो सब खींच के बाहर निकाल के फेंको। ये जो दास्तान चली वो इससे पहले एक पंखे की स्पीड कम कर और कम कर, आवाज नहीं जान देता उसके अंदर, पूरी भगा देता आवाज को बाहर। इसको बात मत करो ज्ञान पे, वो लास्ट में पूछना सवाल तुम्हारे को पकड़ेगा रास्ते में पलट के। शैतान की खास बात रहती, शैतान जिन्नात को अगर तुम छेड़े और गाली दिए या कुछ बोले तो बाद में तुम पे भीड़ के पलटते हो, फिर के बोले तो अगर समझो किसी के आंग में तुम उसको जाके छेड़ रहे, इलाज वाले बन रहे या दुआ पानी मार रहे, फिर देखता अंदर से बोलता बेटे बोलता मम्मी कुछ छेड़ रखा तो बताता हूँ, फिर तुम पे भी हमले करते हो। जहाँ अल्लाह ने निजाम दिया लड़ता, जहाँ फौज है या ताकत है, वहां पर उनकी दाल नहीं गलती, वहां से लिड़ा के मार के उनको खत्म करते, नष्ट कराते। और बड़ा आमिलन बड़ा इलाज वाला बनने की कोशिश नहीं करना, बच्चों पर तुम्हारे तुम्हारे घर में हमले करने की कोशिश करते हो, बदले लेते हो, बहुत सारे बातें हैं सर, वो तुमको आगे बताऊंगा मैं, अभी बात पीछे भी कोशिश कर दो। क्या नाम निकला, क्या दास्तान है, अभी तो थोड़ी बहुत पूछा दिया मैंने, अब इसके बाद आगे पूछूंगा और भी तफसील में वक्त आने पे जरूरत पड़ी तो। और ऐसा किसी के बच्चों की जिंदगी ऐसे सब नहीं खराब करना, बहुत गलत बात है। ला रहम नहीं करता उस शख्स पर जो लोगों पर रहम ना करे। करे ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। और एक बात याद रखना, क्या बोलूं मैं, क्या क्या नाम लिख लें, क्या दास्तान है, क्या मालूम तुम्हारे कौन कौन जादू अंडोरे कर रहे हैं, मगर यहाँ तो नाम खुलता था। ये डालने के लिए सब मकसद ये है कि जब निजाम अल्लाह की तरफ से चल रहा, मेरा तो क्या पेशेंट को कुछ याद करता, बाद में पानी मार के उसने होश मिला है तो क्या हुआ, क्या दास्तान है, क्या नहीं। और एक बात, इससे पहले तुम्हारे बच्चे के आंग पे कभी हाजिर हुआ क्या? हाँ, बहुत हुआ। क्या हुआ था? दो तीन दिन से तो लग रहा ऐसी तकलीफ हो रही थी। तुमने फिर इलाज के वास्ते दूसरे तरफ भी लगे होंगे दुआ पानी, वहाँ पे उनके सामने हाजिर हो गए, सवाल जवाब कुछ हुए क्या? घर में तुम्हारे कभी सवाल जवाब हुआ क्या हाजिर होके? खाली आग में आके सताता था, नाटी मारता बस इतना सोता था। कितनी चक्कर है तुम्हारी यहाँ, कितने चक्कर में खुलासा हुआ ये? पहली बार ही जाए, पहली बार में चल रहा, क्योंकि उनसे खुलासा हुआ। तुम्हारा दिल और दिमाग के अंदर अगर लड़ने की नियत नहीं है और तुम मेरे पास में आए तो खुद ब खुद तुम्हारा यहाँ खुलासा हो जाएगा, कौन डाला क्या दास्तान है। देखो आगा सामने वो बीमारी की फाइला भी ला वाले हो, थैली भर के फाइला हो सब उसमें, देखो फाइलों तरफ मार रहे हो, निकालो जरा क्यों फाइला भाई। क्या है ये गरीबी में इतनी परेशानी, पहले चाहता था पे आता था, इतने मेडिकल टेस्ट इतने दास्ताने बोले तो कितना उनको खर्चे लगे होंगे, कहाँ खाने पीने का पैसा, गरीबी का कहीं में जा रहा था ये, अब उनको क्या पता बिचारों को, उन्होंने तो कर रहे थे ये सब चल रहे थे ट्रीटमेंट, लेकिन क्या हो रहा था, दवा गोलियां खिलाने के बाद ये सब बताने के बाद भी तो कुछ फर्क नहीं होता। जैसा यहाँ इलाज स्टार्ट होगा तो कैसा अल्लाह के हुक्म से राइट हो जाएगा, और उसके दिमाग में दवा बैठी थी, दिमाग में जब दवा चढ़ जाती तो पेशेंट को मेंटली तौर पर पागल कर देती, पागल के जैसा दिखता पेशेंट, लोग पागल समझते। ये देखो उधर बीमार, वो देखो वो भी बोलिया, ये देखो एमआर, ये पूरा इनका गरीबी का पैसा, ये सब कहीं में क्या तरक्की होंगी इंसान की, क्या वो, और ऊपर से जान भी नहीं बचती इतना सब होने के बाद भी, इतना लगाने के बाद भी, तो जहाँ ये चीजें वर्क करने के वहाँ बरोबर ये वर्क करते,
और जहाँ पर ये दास्तान है वहां पर ये वर्क नहीं करता, मेडिकल साइंस फेल है वहां से। और जहाँ पर तंत्र मंत्र जादू टोना अगर आगा तो फिर वहां पर वो कहां से पकड़ लेगा, और रूहानियत के ऊपर चलता, आत्मा के ऊपर वार चलते, आत्मा को नापने वाली जब मशीन बनेगी टेस्टिंग की, तो जब पता चलेगा कितने लेवल का जादू टोना है। बीपी शुगर नापने वाली मशीन तुम कैसा बता सकती, शुगर स्कैनिंग सीटी स्कैन कैसा बता सकेगा तुम्हारे कितने लेवल का आत्मा को वार चले। तो ये सब बहुत सारे गहरे राज है, तुम नहीं समझ सकते। जितना तुमको समझाए मोटे मोटे बातों में कि इबादत करो, कंक्लूजन सबका इबादत करो, मैं तो कहेंगे अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। वाटर पॉइंट इतना स्प्रे की चलो ले जाओ इसको और बन के डालो और मार मार के सब खत्म कराओ, उतार के अंदर की सारी शक्ति और उसकी बची कुची दवा भी उल्टे आओ जुलाब में निकाल के सब खत्म कराओ, और खुद आग लगा के खुजारी थी उसके पैरों में हाथों में आग लगा दो अपनी तरफ से, बहुत आग लगा रही थी। देखो ये रहता अल्लाह के कलाम का तासीर, पानी का, इबादत का, कि उन्हें उसको खुजारी थी और तकलीफा दे रही थी, अब कलाम इलाही के पानी से उसको मार पड़ी तो उसके इसमें जलन हो रही, अब नाला आपके बहुत तकलीफा दे रही थी, जाओ तो तेज के साथ में कौन था वो जादूगर, हिंदू का था मुसलमान का था, हाँ वो दूसरे चक्कर में मुझे नहीं तुम आप चलो इसको बंद करा लो, हाँ मार के खत्म करो इसको, जलाओ इसको, बंदो इसको, चलो बंदो इसको, तेज दिखता पन्नी बरोबर पकड़ो ध्यान से, किधर जा रहा नाक में का, पूरा जलाता हूँ, देखो पूरा ऐसा जला जला के राख करता हूँ, बहुत तकलीफा दे रही लोग, बाप का अच्छा नमस्कार हो तुम्हारे, चलो उसको बन बन के मार मार के खत्म कराओ उसको। अब उसका ऐसा रहना तुम आपको उसका सब सामान निकाल देंगे, तो कहां से लाना घर पे ले जाना, घर पे अमल करना, जैसे अमल करेंगे तो वही सब निकलेगा उसका, और तेजी से उल्टे होंगे जुलाब होंगे घर पे जाने के बाद, नाक में से महंगा जुलाब भी होंगे या उल्टे होंगे दोनों में से होंगे, पूरा निकल के निकल देगा और अमल करेंगे तो अमीर फौजेंगे अल्लाह के हुक्म से, नहीं सब कुछ जकड़ के फसम करा देंगे। और वक्त आने पर दूसरी या दूसरे राउंड में और भी अच्छे से पूछाना है तो पूछा देंगे, जब तक उसको पकड़ के मारो तो पड़म दो उसको, मगर वो क्या है जितना पूछाना उतना तो पूछा दिए समझ में उतना, बाकी और भी तफसील में कई कुछ आने का सब बात है। चलो पानी पिलाओ उसको, लाओ इधर पानी, इससे छोटी वाली बेटी की शादी हुई, इससे छोटी वाली की हो गई है 18 साल की, ये 19 में लगी 18 तो उसको भी तकलीफ, खाला जादू करे तो उसको कैसे नहीं करी, कौन सी खाला करी, क्या निकला तुम्हारा, तुम मालूम दास्तान मुझे क्या पता कौन थी, तो क्या दुश्मनियां चल रहे तुम्हारे, उसके अब्बा ने कहीं वो खेत पे कब्जा करेगी, फलाट पे करेगी, बोल कैसे जादू टोने कर रहे, कमाल हो गई, पानी पिलाओ उसको। खेती है तो कैमरा मार रहे है पुतले, जा वहां पे पुतले के जैसा मत ठहर, ये इतना निकला उसके दिमाग में से, ये खुदा की कुदरत, अभी तो बहुत निकलेगा वो, निकलना चालू से, हाँ अच्छे से साफ करो उसका मुंह, पन्नी किधर जा रही, नाक में का सामान किधर निकल के जा रहा, वो साफ करो, क्या होगा जी, आराम से आराम से, मुंह पे डालो उनके दस्ती कपड़ा, हाँ क्या होगा, हाँ आराम से आराम से, पीछे भी जाओ उनको थोड़ा पानी पिलाओ, बंद हो गए, देखो ये सुबह शाम दो तीन डाले लगाना, गुआ का पानी वो बढ़ाना पिलाना, ठीक है। कौन से आए थे, ये कौन है कौन है, साथ में, हाँ आ गया पूरा होश, अच्छा यहाँ अभी कुछ हुआ तो कुछ याद है क्या, यहाँ सवाल जवाब कितना कितना, कुछ याद आ रहा क्या, क्या हुआ यहाँ कुछ हुआ तो कुछ याद है क्या, पेशेंट को याद नहीं रहता क्या हुआ क्या नहीं, तो पेशेंट को खाली उत्तर मालूम रहता, मैं यहाँ बैठा नहीं, यहाँ से उधर गया, उत्तर याद रहता उसमें,
खैर जो भी है 100% अल्लाह के मुंह से हाजिरी में भी दो तीन कसम की होती है, 100% आती और एक 80-90% आती। 80-90% वाले का दिल दिमाग उन्हें पकड़े लड़ता है, मगर बात करता हूँ उन्हें पकड़ के उसको भी समझता तो हूँ, और ये जो है तो ये 100% आवाज था, पेशेंट कुछ याद नहीं है। खैर अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। जलगांव से आए थे क्या? जलगांव के आगे दिमाग के अंदर चढ़ के बोल दीजिए दवा हो, और नस नस में तो है भी नहीं आई, मगर दिमाग में बहुत ज्यादा परेशान करती, मेंटली तो पागल कर जैसा कर देती पेशेंट को, और नजले की शक्ल में ऊपर चढ़ के बढ़ जाता हूँ। बहुत अलग अलग वार है, बहुत अलग अलग खेल है, जितना इल्म समंदर है, जितना तुम समझ में जाएंगे उतनी गहरे में डूबते जाएंगे। बहुत सारे बातें हैं कहने सुनने से ज्यादा, अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। कोई जादूगरों के पास मत जाओ, तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद हो जाते, तुम्हारे घरदारा बर्बाद हो जाते। तुम दूसरों पे जादू कर रहे तो ये भी तो सोचो, पलट के जब वो आ रही ना तो तुम्हारा क्या हाल होगा। जादूगर तो पहले मरता, बाद में तुम मरते, दोनों भी मरते, फिर उसके बाद में बहुत भयानक आलम हो जाता, तुम्हारे भी बच्चों के भी आड़े आता, तुम्हारे नस्लें बर्बाद हो जाते। बार बार मैं कहूंगा कि इबादत करो दिल के अंदर, अल्लाह और उसके रसूल की सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलो तो तुम्हारा दिल कीना कपट गीबत हर चीजों से पाक रहेगा, और ऐसे वबाओं से और बलाओं से भी महफूज रहेगा। क्योंकि जब तुम्हारे दिल में हसद जलन नहीं रहेंगी, कीना कपट नहीं रहेगा, तो तुम किसी पे जादू टोना नहीं करेंगे, जलेंगे नहीं, चिड़ेंगे नहीं, अल्लाह के नेक बंदे बन जाएंगे, और नेक बंदे की दुनिया आखिर सब बन गई। तो अल्लाह कहने सुनने ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे।